राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र हमीरपुर के कर्मचारी व अधिकारी दिन रात मेहनत कर जिला प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार को पल पल की जानकारी देने और संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि विज्ञान केंद्र ने जिले में 35,000 लोगों के बाहर से आने पर उन्हें संस्थागत व गृह क्वारंटीन में रखकर उनका डाटा तैयार करने में सहयोग किया है। बाहर से हमारे पास लगभग 35,000 के आसपास लोग आए हैं, उनका होम क्वारंटीन में वैसे डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर और सारी टीम काम कर रही होती है, बट कंट्रोल रूम में उनको किस तरह से टेक्निकली गाइड करना, सभी में एक मल्टी फैसेटेड एक वर्क रहा है, सभी में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस फाइट। जिला सूचना अधिकारी विनोद गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्र ने वेबसाइट व मोबाइल के जरिए विभिन्न टेस्टों की रिपोर्ट तैयार करना, सोशल मीडिया के माध्यम से समयबद्ध जानकारी देना और कर्फ्यू के दौरान ई पास बनाने का काम भी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज का एक बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से उपयोग किया गया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह के चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सकता था, तो चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय से या राष्ट्र स्तरीय या प्रदेश स्तरीय मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर और जिला के अंदर भी विभिन्न अधिकारियों के साथ, फील्ड लेवल ऑफिसर्स के साथ कई बार बैठकों का आयोजन किया गया और जिसमें NIC की वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विसेज का बेहतरीन उपयोग किया गया। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने पूरे लॉकडाउन के दौरान बिना किसी छुट्टी के लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की। इस दौरान पानी की पाइप टूटने पर मुरम्मत या पेयजल भंडारण के संचालन में कर्मियों ने एक दिन के लिए भी अपने कर्तव्य निर्वहन में कमी नहीं रखी है। जब से ये लॉकडाउन लगा है, हमारे जो फील्ड स्टाफ है, लगभग 1257 लोग हैं मेरे पास जो फील्ड में काम कर रहे हैं, दिन रात डटे हुए हैं और जो सरकार के निर्देश हैं COVID-19 रूल्स की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, उसका पूरा ध्यान रखते हुए दिन रात मेहनत करके हम लोगों को पानी की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। महिला कल्याण व विकास समिति बरोहा ने 35,000 के करीब मास्क तैयार कर न केवल आसपास के गांव में बांटे बल्कि प्रवासी मजदूरों और पशुपालन विभाग के कर्मियों को भी ये मास्क वितरित किए गए। बहुत दिनों से ये हमारा, जब से लॉकडाउन चला है तब से हम ये काम कर रही हैं और सारी इकट्ठी होके हमने ये काम किया और ये फेस कवर वितरित कर रही हैं। हमारी के समय में ये कपड़ा मिलना इतना मुश्किल हो रहा था, लोगों को मास्क मिलने मुश्किल हो रहे थे, जबकि मास्क लगाना इतना ज़रूरी हो गया था, तो इसलिए हमें लगा कि हम लोगों की मदद करने के लिए ये काम करना चाहिए। कोरोना महामारी के इस संकट में इन योद्धाओं को शत शत नमन है। इन्हीं की वजह से लोग अपने घरों में सुरक्षित और सुविधाजनक रह पाए हैं। DD News के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।